नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल कार्स में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मारुति सुजुकी सियाज, जो कि मारुति सुजुकी की एक प्रीमियम सेडान है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज का हमारा ये टॉपिक शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी गाड़ी का फ्रंट लुक। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमें बहुत प्यारा सा लुक दिया हुआ है, जिस पे यहाँ पर हमें हेडलाइट्स मिल जाती हैं। ये है हमारी प्रोजेक्टर हेडलैम्प, और ये है हमारा नॉर्मल हेलोजन लैम्प, और ये है हमारा इंडिकेटर। ये फ्रंट ग्रिल है, जिसमें हमें मारुति सुजुकी की बैजिंग मिल जाती है। और ये है हमारा फ्रेंड्स फॉग लैम्प, जो 33 वाट का है। उसके ऊपर फ्रेंड्स हमें यहाँ पर मिल जाता है जो क्रोम गार्निश है, जो हमने लगवा रखा है आफ्टर मार्केट। इसके बाद हम आ जाते हैं फ्रेंड्स अपनी गाड़ी के साइड व्यू की तरफ। यहाँ पर हमको क्रोम हैंडल दिया हुआ है, जो कि मारुति सुजुकी सियाज के टॉप एंड वेरिएंट में बस आता है। और साथ में ही हमें साइड बीडिंग भी कंपनी की तरफ से ही मिलती है। फिर नेक्स्ट हम आ जाते हैं फ्रेंड्स हमारे रियर व्यू की तरफ। ये है हमारी गाड़ी का रियर व्यू। यहाँ पर मिल जाता है हमें स्पॉयलर, ये हमें कंपनी की तरफ से मिलता है। और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर हम आप देख सकते हैं यहाँ मारुति सुजुकी की बैजिंग। यहाँ पर हमें रियर कैमरा दिया हुआ है, और साथ ही हमें यहाँ पर रियर पार्किंग सेंसर्स भी दिए हुए हैं, जो कि 4 रियर पार्किंग सेंसर्स हैं यहाँ पर हमको। और इसके साथ ही फ्रेंड्स हमको यहाँ पर रियर रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं, जो कि क्रोम्ड हैं। ये कंपनी की तरफ से हमें मिलते हैं क्रोम रियर रिफ्लेक्टर्स। और साथ में यहाँ पर हमारा रियर टेल लैंप है, और साथ में हमें सियाज की बैजिंग मिल जाती है, और यहाँ पर मारुति सुजुकी की बैजिंग। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी गाड़ी का रियर लुक। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देख लेते हैं इसका बूट स्पेस। ये बूट स्पेस है लगभग 510 लीटर का, जो कि हमें बहुत ज़्यादा मिल जाता है, क्योंकि ये गाड़ी सेडान है। यहाँ पर हमें 510 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। और इसके साथ ही हमें यहाँ पर स्पेयर व्हील मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर बूट पर नीचे रखा हुआ है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है हमारा बूट स्पेस, और ये यहाँ पर है हमारा स्टेपनी व्हील। तो यहाँ पर हमें पूरी टूल किट मिल जाती है। और जो हमारा ये स्पेयर व्हील है, ये हमारे टायर के साइज़ का ही है। ये है 195/55 R16, जो कि ये हमारा व्हील है, उसी के साथ ही मिल जाता है। ये हमें रिम व्हील मिलता है, 4 व्हील हमें एलॉय मिलते हैं, और ये 5वां व्हील हमें रिम मिलता है। इसके साथ ही हमें यहाँ पर मिल जाता है सेफ्टी ट्रायंगल और टूल किट। ये है हमारी स्टेपनी किट। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसके इंटीरियर की तरफ चलते हैं, और हम बूट को बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम चलते हैं इंटीरियर की तरफ। तो ये है फ्रेंड्स हमारा ड्राइवर साइड कंट्रोल पैनल। यहाँ पर हमें मिल जाता है ऑल 4 पावर विंडोज़, सेंट्रल लॉकिंग, चाइल्ड लॉक और मिरर कंट्रोल्स। इसके बाद फ्रेंड्स हम आ जाते हैं इंटीरियर की तरफ। तो आप देख सकते हैं, ये है इसका इंटीरियर। ये है हमारा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। अब हम इसका इग्निशन ऑन कर लेते हैं, ताकि मैं आपको इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की डिटेल्स दे सकूं। तो यहाँ पर हमें इंजन ऑन करने के लिए क्या करना होगा, हमें क्लच पैडल है उसको पूरा प्रेस करना होगा। फिर हमें फ्रेंड्स यहाँ पर स्टार्ट एंड स्टॉप बटन दी हुई है, इसको प्रेस करना होगा, तो हमारा जो इंजन है वो स्टार्ट हो जाएगा। फिर इसे बंद करने के लिए वापस स्टार्ट एंड स्टॉप बटन जो है उसको प्रेस करना होगा, तो ये हमारा इंजन ऑफ हो जाएगा। सिर्फ इग्निशन ऑन करने के लिए हमें यहाँ पर फ्रेंड्स स्टार्ट एंड स्टॉप बटन को बिना क्लच दबाना होगा, तो ये इग्निशन ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ हमारा MID कंट्रोल है, राइट में हमारा स्पीडोमीटर है, लेफ्ट में हमारा टैकोमीटर है। और साथ ही फ्रेंड्स यहाँ राइट में हमें फ्यूल गेज दिया हुआ है, और मिडिल में यहाँ पर हमें वार्निंग लाइट्स शो हो रही हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स हम MID देख लेते हैं। यहाँ पर रेंज, इंस्टेंट माइलेज, टोटल एवरेज। इसके बाद फ्रेंड्स लेफ्ट कॉर्नर में हमें यहाँ पर शो होगा हीट एंड कोल्ड। लेफ्ट स्विच जो दिया हुआ है, उससे हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं ट्रिप मीटर।
यहाँ पर हमें दो ट्रिप मीटर मिल जाएंगे, पहला यहाँ पर ट्रिप ए और दूसरा फ्रेंड्स हमें यहाँ मिल जाएगा ट्रिप बी। और इसको हम रीसेट कर सकते हैं, इसी बटन को प्रेस करे रखेंगे थोड़ा देर तो ये रीसेट हो जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें सारे वार्निंग लाइट्स दिए हुए हैं, जैसे इग्निशन ऑन है, पावर स्टीयरिंग है, हैंड ब्रेक, ऑयल वार्निंग, इंजन चेक लाइट और साथ में बैटरी लाइट। नेक्स्ट हम आ जाते हैं फ्रेंड्स डैशबोर्ड की तरफ। यहाँ पर हमें दिया हुआ है हेडलाइट लेवलर, फॉग लैंप स्विच और पार्किंग स्विच। नेक्स्ट आ जाते हैं फ्रेंड्स हम हेडलाइट की तरफ। तो यहाँ पर हमें हेडलाइट स्विच दिया हुआ है, टॉगल इंडिकेटर टॉगल भी इसी के साथ है इंक्लूडेड। और साथ ही फ्रेंड्स हम यहाँ पर हेडलाइट ऑन करेंगे तो हमें जो MID है वहाँ पर भी हमें यहाँ पर लाइट इंडिकेशन शो हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर हमें मिल जाएगा फ्रेंड्स स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स। ये है हमारा टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम जो कि 7 इंच का है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, हैंड ब्रेक, गैलीवर और AC वेंट्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स को ड्राइवर साइड, और ये है फ्रेंड्स को ड्राइवर साइड पावर विंडो कंट्रोल्स। और फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं सनग्लास होल्डर, रीडिंग लैंप्स और साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पर अपन को मिल जाएगा माइक। नेक्स्ट हम आ जाते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर स्टोरेज की तरफ। तो यहाँ पर हमें स्टोरेज मिल जाएगा जो कि थोड़ा कम है, यहाँ पर हम वॉलेट वगैरह रख सकते हैं और 2 कप होल्डर मिल जाएंगे यहाँ पर। इसके अलावा फ्रेंड्स थोड़ा सा स्टोरेज हमें यहाँ मिल जाएगा की वगैरह रखने के लिए। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ हमें एक मिल जाएगा हैंड रेस्ट जिसके अंदर हमें स्टोरेज मिलेगा थोड़ा सा, यहाँ पर हम लगभग एक फ़ोन वगैरह रख सकते हैं, वॉलेट वगैरह। इसके अलावा फ्रेंड्स हमें यहाँ पर मिल जाएगा स्टोरेज के लिए ग्लव बॉक्स जो कि काफ़ी डिसेंट साइज़ का है, जिसमें हम एक वाटर बॉटल रख सकते हैं, साथ में टैबलेट वगैरह भी रख सकते हैं। आगे फ्रेंड्स हमें यहाँ पर देखने मिलेगा यहाँ पर सनवाइज़र। ये है हमारा सनवाइज़र, ड्राइवर साइड सनवाइज़र में हमें मिल जाएगा टिकट होल्डर। यहाँ पर वैनिटी मिरर का कोई ऑप्शन नहीं है। फिर हम आ जाते हैं फ्रेंड्स को ड्राइवर साइड सनवाइज़र में, जिसमें यहाँ पर हमें को ड्राइवर साइड में वैनिटी मिरर मिल जाएगा। यहाँ पर हमें मिल जाता है फ्रेंड्स रियर व्यू मिरर। ये ऑटो डिमिंग है जो नाइट में अपने आप डार्क हो जाएगा और डे में अपने आप नॉर्मल मोड में आ जाएगा, और इसको अपन ऑफ एंड ऑन भी कर सकते हैं। और यहाँ पर हमें कोई भी ग्रैब हैंडल नहीं मिलेगा ड्राइवर साइड, और यहाँ पर हमें को ड्राइवर साइड हमें एक ग्रैब हैंडल मिल जाएगा। और साथ ही फ्रेंड्स हमें रियर साइड भी मिल जाएंगे ग्रैब हैंडल्स। तो ये है हमारा रियर साइड का ग्रैब हैंडल। तो चलिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर रियर साइड की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमें रियर साइड डोर पैनल में मिल जाएगा पावर विंडो कंट्रोल, बॉटल होल्डर, और साथ ही फ्रेंड्स हम आ जाते हैं यहाँ पर रियर साइड में। तो यहाँ पर मैंने ड्राइवर साइड जो सीट है उसको पूरी तरह से पीछे कर रखा है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें अच्छी खासी डिसेंट सी लेग रूम मिल जाती है। उसके अलावा यहाँ पर रियर AC वेंट्स हैं, और जो को ड्राइवर साइड सीट है उसको मैंने पूरी आगे कर रखी है ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि मैक्सिमम कितनी स्पेस मिल सकती है। और यहाँ पर हमें एक मिल जाता है मोबाइल चार्जर प्लस मोबाइल पॉकेट। और नेक्स्ट मैं आपको दिखा देता हूँ कि को ड्राइवर सीट जो हमने सबसे आगे कर रखी है उसमें हमें कितना स्पेस मिल जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने पूरी सीट को जो है पूरा आगे कर रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा स्पेस मिल जाती है, काफ़ी ज़्यादा स्पेस है यहाँ पर फ्रेंड्स। इसके अलावा फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 ग्रैब हैंडल मिले हैं हमें, साथ में रीडिंग लैंप भी है। ये है हमारा रीडिंग लैंप, ये हमें दोनों साइड पर मिल जाते हैं, ग्रैब हैंडल प्लस रीडिंग लैंप। यहाँ भी आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको मिल जाएगा रीडिंग लैंप जो कि डोर के साथ भी इंक्लूडेड है, डोर ओपन करेंगे तो रीडिंग लैंप ऑन हो जाएगा। और यहाँ पर हमें अच्छा खासा
हेडरूम मिल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें मिल जाता है रियर सीट, जो कि हमें सिर्फ मारुति सुजुकी सियाज के टॉप एंड वेरिएंट में मिलता है। इसको हम डिटैच भी कर सकते हैं और वापस से अटैच भी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम गाड़ी की ड्राइविंग एक्सपीरियंस के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमें मिल जाता है 1500 सीसी का इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 91 bhp की पावर और 103 Nm का टॉर्क। और अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स इसकी हैंडलिंग की। तो ये गाड़ी बहुत स्टेबल है, इसमें हमें किसी प्रकार का बॉडी रोल समझ नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं इसकी डायमेंशंस की। इसकी विड्थ है 1730 mm, इसकी हाइट है 1485 mm और इसकी लेंथ है 4490 mm और इसका व्हील बेस है 2650 mm। और ये है फ्रेंड्स हमारी मिड साइज सेडान, जिसका टर्निंग रेडियस लगभग 5.4 मीटर का है और इसका माइलेज लगभग हमें 16 से 17 मिल जाता है सिटी में, और हाईवे में हमें लगभग मिल जाता है 18 से 19 का। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा आज का टॉपिक एंड होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ में ही बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।